हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब में। अब हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे के सारे, ठीक है। ये सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक आएंगे मैथ के अंदर, और ये जो टॉपिक है वो किस किस एग्जाम में आते हैं वो देख लो, ऑलमोस्ट ये सभी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। सारे टॉपिक हर एग्जाम में मिलेंगे, बेशक आप रेलवे का हो, एसएससी जीडी का हो, एमटीएस का आदि, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर में भी यही आ जाते हैं, लेकिन उनका क्या होता है, लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है क्वेश्चंस का। ये जो चार पेपर आपके सामने दिख रहे हैं इनके अंदर जो ये टॉपिक इनमें से क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे ऑलमोस्ट सेम लेवल के सारे, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, उसके बाद वन बाई वन आपको सारी क्लासें मैथ की प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। जैसे आपका रेलवे सीबीटी 2 होना है, नेक्स्ट आपको उसके बाद एसएससी जीडी भी है नवंबर के अंदर, फिर आपके आगे के एग्जाम की डेट क्या रहेगी, और एमटीएस तो 20 दिन के बाद ही आपका, ठीक है। तो ये सारे के सारे टॉपिक हैं हमारे पास मैथ में, कौन कौन से टॉपिक आते हैं, डेली आपको मैथ की क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी और एक रेगुलर टाइम टेबल के अंदर आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी सारी मैथ की क्लासेस जितनी भी हैं। कोशिश करेंगे कि एसएससी जीडी से पहले पहले हम मैथ के ये सारे टॉपिक कंप्लीट कर लें, और जितने भी मेरे दोस्त मेरे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं मैक्सिमम शेयर करना भी, कल से आपको मैथ की वीडियो मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, कंप्लीट सिलेबस आपको करवाया जाएगा बिल्कुल फ्री में। और कोशिश करेंगे कि प्रीवियस ईयर के आपके जितने भी एसएससी जीडी के पेपर हैं उनकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा सकें, ठीक है, विद आंसर। और आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम आई मैथ के अंदर आप कमेंट कर देना वीडियो के नीचे, जितना हो सकेगा आपको उसकी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारे पास आएगा हिंदी में कहा जाए तो संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को कहते हैं नंबर सिस्टम, ठीक है। संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम एक ही बात है, इसके अंदर नंबर्स का इंट्रोडक्शन होगा, कौन से नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर सारे आएंगे। नेक्स्ट आएगा हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम, ये भी आपको पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारे पास सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन, इसके अंदर आपको मिलेंगे फॉर्मूले, देखने में क्वेश्चन बड़े लगेंगे, फॉर्मूले आते हुए तो आसान लगेंगे, और जो फॉर्मूले यहाँ स्टार्ट अप करेंगे यहाँ से तो सीखेंगे वो सारे के सारे नेक्स्ट जितने भी टॉपिक हैं सब में मिलेंगे आपको, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, अगला आएगा हमारे पास घातांक और कर्णी, या फिर इसको बोलते हैं सर्ट एंड इंडिसेस, यानी हमें पावर याद करनी है, पावर निकालनी है, 1024 जो होता है वो 2 की पावर कितना होता है, ये पावर भी याद करनी होगी, उसको सॉल्व करना होगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपकी एवरेज, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, खासकर बात करूं एसएससी जीडी की, तो एसएससी जीडी में यहां से सवाल काफी पूछे जाएंगे आपसे। अच्छा एक आधे सवाल है ना ये देते हैं, जैसे ग्राफ बना के यहां पे आपको बार ग्राफ मिलेगा, यहां से बता देता हूं साफ दिखे आपको, मान लो हमें एक ग्राफ दे देगा, ये कोई लाइन ग्राफ हो जाएगा या फिर कोई हमारे पास बार ग्राफ आ जाएगा, कंपनियों का डाटा होगा कि 2002 में 2010 में कौन सी कंपनी ने कितने कमाए वगैरह वगैरह, कुछ ऐसे करके सवाल आएंगे, ठीक है। या फिर सेम क्वेश्चन आपको लाइन ग्राफ में दे दिया जाएगा, एक लाइन में ग्राफ चढ़ा दे दिया, ठीक है। तो ये जो सवाल है ना ऐसे सवाल आए, इनके अंदर भी वो एवरेज ही पूछेगा, ठीक है, या वो पूछेगा परसेंटेज या प्रतिशत। बार ग्राफ आती है लाइन ग्राफ आती है, सवाल जरूर पूछेगा, प्रीवियस ईयर एसएससी 2019 जीडी के अंदर बार ग्राफ का क्वेश्चन आया था, पहला क्वेश्चन देख लेना ओपन करके, 54 शिफ्ट हुई थी उसमें, शायद पहली शिफ्ट का पहला क्वेश्चन था जब मैथ स्टार्ट होता है उसमें, पहला क्वेश्चन यही था लाइन ग्राफ के ऊपर, इसके ऊपर था, पूछ रखा था औसत पूछने, तो औसत या एवरेज जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। फिर आता है हमारे पास परसेंटेज, या जिसको बोलते हैं आपका प्रतिशत, किसी भी चीज में कितना हिस्सा होगा वो चीज देंगे। फिर आएगा हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस, नॉर्मल सी बात है, सारा दिन हिसाब किताब लगाते हो कोई चीज कितने में बेचे कितने में खरीदे तो लाभ हो हानि होगी। फिर आएगा रेशियो, इसको भी इंपॉर्टेंट बात करना भी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ओके। नेक्स्ट आएगा हमारे पास काम और समय या टाइम एंड वर्क, दो आदमी चार आदमी कितने दिन में करते हैं, 20 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन सेम इसी टॉपिक की कॉपी आगे नल एंड नल और पाइप या फिर पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी वाले जो क्वेश्चन आते हैं, दो नल टंकी को भरते हैं किस तरह नल खाली करता है, तीन एक साथ खोल दिया जाए तो क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, एक एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का बनता है, हर बार आता है, सिंपल इंटरेस्ट में भी आएगा उसी पेपर में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आएगा ही आएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आया समय और दूरी,
समय और दूरी अगर आपको आ गया तो रेलगाड़ी नाव और धारा वाला टॉपिक आपका कंप्लीट है। ठीक है, समय और दूरी यहाँ पे जो फॉर्मूले होंगे, जो बेसिक कट्स आपको बताए जाएंगे, सारे के सारे रेलगाड़ी यानी ट्रेन वाले क्वेश्चन, ट्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम, नाव और धारा को बोलते हैं बोट एंड स्ट्रीम वाली बात। ठीक है, नाव और धारा, धारा की दिशा में चले, धारा की विपरीत दिशा में चले, वो क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट आएगा हमारे पास साझेदारी या पार्टनरशिप। एक आदमी व्यापार शुरू करता है, 5 महीने बाद दूसरा आदमी उसमें अपना पैसे देकर उसमें शामिल हो जाता है। फिर ये बताया जाएगा कि दोनों को जो लास्ट में प्रॉफिट मिलेगा वो किस रेशियो में बांटा जाए, कुछ इस टाइप की। ये बड़ा आसान टॉपिक है, मुश्किल नहीं। अच्छा, फिर आगे हमारे पास ये वाला टॉपिक, ठीक है, इसको मैन्युफैक्चरिंग बोल दो या एरिया और वॉल्यूम अलग अलग बोल दो, बात एक ही है। ये बिना पूछे समझ लो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर जो बच्चे रेलवे सीग्री टू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता दूं, ये आपका रामबाण बनेगा भाई। और यहाँ पे सीबीटी 2 के लिए आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री या जिसको हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं वो ले लेना। ठीक है, त्रिकोणमिति या फिर ट्रिग्नोमेट्री जरूर ऐड करना। यहाँ से सवाल बहुत बनेंगे सीबीटी 2 के लिए। एसएससी जीडी की बात करें तो यहाँ तक इनमें से एक एक दो दो क्वेश्चन सिंपल आएंगे, मुश्किल नहीं आते। खासकर ज्यादा सवाल वो एरिया से डाले थे, एक आधा क्वेश्चन डालना भी आ जाता है वो आपके शंकु वगैरह कोण वगैरह के ऊपर आएगा या क्यूब या घन के ऊपर आएगा, क्यूबॉइड के ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा मैथ का इंट्रोडक्शन है, कौन कौन से टॉपिक हमारे आने हैं और मतलब हम कितने टाइम इसको कवर करें। तो अभी है सितंबर, आज 14 सितंबर यानी कि हमारा हिंदी दिवस। ठीक है, तो आप सबको हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ आप कल से स्टार्ट करेंगे कि हमारा मैथ का टॉपिक, पहला टॉपिक होगा संख्या और पद्धति। जिन बच्चों ने कर रखा है बहुत अच्छी बात है, वो अपनी प्रैक्टिस कीजिए। और जिन्होंने कर रखा है फिर भी वो वीडियो देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है वो आगे अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, तो फ्रेशर बच्चे होंगे या जिन्होंने करना है उन तक जरूर पहुंचाइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था, थैंक यू।